फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू बाय एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इन इंडिया। बेसिकली आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो आप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस उसमें चाहिए, क्या क्या प्रोसेस आपके लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको चेक करने चाहिए। बेसिकली आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो उसमें बहुत से फ्रॉड के केसेज आते हैं। आप लोग देखे होंगे कि लोग उसी प्रॉपर्टी को कितने 2 से 3 बार किसी अलग अलग लोगों को सेल कर देते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड। तो किस तरीके से हम इस फ्रॉड से बच सकें और क्या इसके प्रोसेस होते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बेसिकली लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक लैंड रिकॉर्ड देखा जाता है। लैंड रिकॉर्ड में आपका टोटल एग्जैक्ट एरिया कितना है, किसके नाम पे है, वो कितने रेट में बिक रही है और किस एरिया में है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि कितने वो असली सेलर है उसके नाम पे तो रजिस्टर है कि नहीं, वो कितने आपको कहीं ग्राम पंचायत जमीन तो नहीं सेल कर दे रहा है एग्रीकल्चर का बता के, या रोड साइड का तो जमीन नहीं सेल कर दे रहा है। ये सारी जानकारी लैंड रिकॉर्ड में रहती है। तो हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एग्रीकल्चर लैंड को बाई करने का। पहला होता है आपका पर्पज। बेसिकली अब आप पर्पज आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए आप सर्च करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको बाई करनी है। तो आपको बाई करने के लिए आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या अपने ब्रोकर के थ्रू आप उसे देख सकते हैं, या आप जब देख लिए तो आपको वो टोटल देखनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी पे आपको विजिट करनी चाहिए कि वो आपके रोड साइड है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी आगे मुंह है कि नहीं, या कि तो वो पीछे तो नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड, या आप ये देख सकते हैं कि उस पर किसी का कब्जा तो नहीं है, किसी ने इंक्रोचमेंट करके तो नहीं रखा हुआ उस प्रॉपर्टी पे। तो आपको ये रेगुलर विजिट करना पड़ेगा एक बार जाकर, और वो कौन टाइप की लैंड है उसमें टोटल क्लियर है कि नहीं, मतलब उसमें कोई पोल तो नहीं जा रहा है या कोई इलेक्ट्रिक खंभा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब इसमें दूसरा चीज़ हम करते हैं टोटल ड्यू डिलिगेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप करते हैं, एक बार आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सा आपको बाई करना है, तो उसके बाद आप देखेंगे उसके टोटल ड्यू डिलिजेंस करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे उस प्रॉपर्टी का। उसके टोटल ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप उसका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला हम उसमें टाइटल डॉक्यूमेंट आप चेक करते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सेलर की है कि नहीं, कि किसी और के नाम का दे रहा है आपको। उससे टोटल डॉक्यूमेंट आप चेक करेंगे, उसने कब से पहले परचेज किया फिर लेकर अभी तक कितने बार टोटल सेल हुई है, किसको सेल हुई है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे टोटल डॉक्यूमेंट में। दूसरा हम देखते हैं लैंड रिकॉर्ड। बेसिकली आप लैंड रिकॉर्ड में ये चेक करते हैं कि वो सारी चीज़ें की तो जो बता रहा है आपका सेलर की वो उस हिसाब से है कि नहीं। अलग अलग स्टेट में लैंड रिकॉर्ड को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे किसी यहाँ खलियान देता राजस्थान में जमाबंदी दिया जाता है, और कहीं खेती खलियान दिया जाता है, साउथ में आपका आरओआर के नाम से आता है, अंगड़गनी के नाम से दिया जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ रहती हैं। बेसिकली ये पब्लिक रहती हैं लैंड रिकॉर्ड, आप कहीं भी जाकर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि वो चीज़ें हैं कि नहीं, उसका जो मालिक है वो असली आपको जो सेल कर रहा है वो है कि नहीं, कि और किसी और के नाम से वो तो आपको धोखा दे रहा है, कि आपको जो जमीन सेल कर रहा है एग्रीकल्चर लैंड के नाम से वो ग्राम पंचायत की जमीन है कि नहीं, या कि आपको रोड साइड की जमीन तो नहीं सेल कर दे रहा है। ये सारे रिकॉर्ड आपके लैंड रिकॉर्ड में अवेलेबल रहेंगे। लैंड रिकॉर्ड का ये फायदा मिलता है आपको कोई फ्रॉड से आप बच सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं आपको टोटल एग्जैक्ट एरिया जो आपको बताई गई है वो एरिया है कि नहीं, और उसका कितना रेट आपको दिया जा रहा है और उस किस एरिया में वो है, सारी चीज़ें लैंड रिकॉर्ड में आपको मेंशन रहती है। तो लैंड रिकॉर्ड को आप जरूर चेक करें उस, क्योंकि उसमें कितने हर चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं, आप जितने फ्रॉड आपके होते हैं उस फ्रॉड से आप बच सकते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है नेगोशिएशन। बेसिकली बायर और सेलर के बीच में कितने सेल प्राइस को लेकर नेगोशिएशन होता है कि कितने प्राइस पर वो एग्री करेंगे। इससे पहले हमने देखा लैंड रिकॉर्ड में आप एक इनकम्बर्शन टर्म आता है। इनकम्बर्शन का मतलब बेसिकली थर्ड पार्टी का कोई क्लेम तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, या कि तो उसमें कोई टैक्स ड्यूज तो नहीं चल रहा है, या उस पर कोई लोन लेकर तो नहीं रखा हुआ, या लीज पे तो नहीं है, या सोटल कोर्ट केस तो नहीं चल रहे हैं इस पर। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे हमने टाइटल डॉक्यूमेंट में उसमें देखा था कि वो जो सेलर के पास वो ट्रांसफर कैसे हुई वो प्रॉपर्टी, जैसे आपका सेल डेट के थ्रू हुई है, या कहते हैं आपका गिफ्ट डेट के थ्रू हुई है, मतलब किसी रिलेटिव ने उसे गिफ्ट तो नहीं किया है, या विल के थ्रू हुई है, जैसे लीगल हेयर है तो उसको ट्रांसफर जैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, और इसमें यह भी पता चला कि आपको कितना एग्जैक्ट एरिया आपको मिल रहा है उस लैंड रिकॉर्ड में, और आपको कौन किस तरीके का वो लैंड है, कितने एग्रीकल्चर लैंड है या कितने रेजिडेंशियल लैंड है, ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती थी लैंड रिकॉर्ड में। अब इसमें हम नेगोशिएशन जब करते हैं तो इसमें राइट प्रॉपर्टी वैल्यू आपको देखनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड के थ्रू आप राइट प्रॉपर्टी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, उस प्रॉपर्टी क्या एक्चुअल वैल्यू है उस एरिया में, तो वो आप चीज़ें देख सकते हैं। आप जब निकाल लेते हैं उसे एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप अपने जो सेलर है या बायर है दोनों मिलकर एक प्राइस पे एग्री करते हैं कितने प्राइस पे वो आपको बेची जाएगी। तो आप एग्री कर जाते हैं तो इसमें कितने आपका चौथा पॉइंट आ जाता है जो हमें देखने थे, वो एडवांस। बेसिकली आप जब एग्री कर जाएंगे तो आपको कुछ एडवांस पे करना पड़ता है। बेसिकली ये मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से लोग 10% अपना लेते हैं जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है तो इस हिसाब से 10 लाख रुपए आपको एडवांस देना पड़ेगा। ये कोई मार्केट का कोई रूल तो नहीं है कि आपको 10% ही देना पड़े, पर मार्केट प्रैक्टिस होती है, लोग यहाँ पे देना पसंद करते हैं और इस हिसाब से होता है।
अब इसमें हमने जो देखा हमारा पांचवा पॉइंट वो क्या है आपका एग्रीमेंट फॉर सेल। बेसिकली आपने देखा कि कितने हैं टोटल हर चीज़ें हो गई, आपके नेगोशिएशन भी हो गया, एडवांस भी आपने पे कर दिया, तो इसमें एक आपका होता है साइन करने का, एग्रीमेंट पर साइन करेंगे जिसमें आप टोटल टर्म्स और कंडीशन लिखी रहती है सेल्स डेट की। जैसे आपका प्रॉपर्टी का डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कि वो किसके बायर और सेलर का नाम उसमें रहता है। फिर दूसरा होता है एग्रीमेंट किस एग्री प्राइस पर आपने एग्री किया हुआ है, जैसे आपने सेल प्राइस पर एग्री किया वो मैंशन रहता है, और आपका पेमेंट टर्म्स आपको मेंशन रहते हैं कि आपको 2 से 3 महीने में टोटल पेमेंट आपको कर देनी है, 1 महीने में कितनी करनी है, 1.5 महीने में कितनी करनी है, 3 महीने तक टोटल आपको पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। फिर पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको टोटल चीज़ें आपको मिल गई, तो उसमें आपको कहते हैं अगर कोई डिफॉल्ट पेनल्टी करता है, मतलब कि अगर बायर डिफॉल्ट करता है, मतलब वो अपना बोलता है कि मुझे अब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो जो 10% जमा है सेलर के पास वो सेलर रख लेता है। अगर इसमें अगर सेलर डिफॉल्ट करता है तो उसे कितने हैं बायर का 10% तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, और अपने तरफ से 10% और देना पड़ेगा, मतलब कि सेलर को डबल देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब डिफॉल्ट करते हैं तो आपको ये देखनी चाहिए कि आपके कितना अमाउंट आपका चला जा रहा है। 6 पॉइंट ले लेते हैं, वो आपका पेमेंट। आपने एग्रीमेंट फॉर सेल तो कर लिया, अब आपको पेमेंट की बारी आती है। बेसिकली इसमें आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, 2 से 3 महीने में आपको टोटल पेमेंट कंप्लीट करनी है। अब हमारा 6 के पास 7th पॉइंट आ जाता है, वो क्या आपका सेल डीड। बेसिकली आपको सेल डीड को रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इस सेल डीड को टोटल रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। उसमें एक आपको कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, तब जाके ये आपका रजिस्टर होता है, जिसपे आपको 4 से 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको पे करनी पड़ती है जब स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको लगते हैं। हर स्टेट में आपका अलग रेट रहता है, किसी किसी स्टेट में 4 से 5% रहते हैं, कुछ हाई स्टेट में आपका 8 से 10% रहते हैं, वो डिपेंड करता है। बेसिकली अगर आप कहते हैं आप फीमेल हैं तो उस हिसाब से आपको 2% का रिबेट मिलता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज में। अगर आप जॉइंट प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो 1% का आपको रिबेट मिलता है। इससे आपकी कहते प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं होती, इससे पहले आपको एक और काम करना पड़ता है, आपको म्यूटेशन करवाना पड़ता है। म्यूटेशन का एक प्रोसेस होता है जो हमारा 8th पॉइंट है। बेसिकली इस म्यूटेशन के प्रोसेस में क्या रहता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपको जो लैंड रिकॉर्ड है आपके नाम पर आपको चेंज करवाना पड़ता है उसमें। तो आपके नाम पर जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो उसमें कितने एक चीज़ रहती है, जब तक आप म्यूटेशन नहीं करवाएंगे तो वो आपके सेलर के ही नाम पे रहेगी और गवर्नमेंट आपको उस पर देगी नहीं। और इसका लोग बहुत धोखा करते हैं कि उसी प्रॉपर्टी को 2 या 3 लोगों को सेल कर देते हैं, क्योंकि आपने म्यूटेशन तो करवाया ही नहीं है, तो आपके नाम पे जो फाइनल डॉक्यूमेंट है आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई है। जब आप म्यूटेशन करवा लेते हैं तो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, तो आप फाइनल ऑनर बन जाते हैं उस एग्रीकल्चर लैंड के। तो ये सारे प्रोसेस रहते हैं, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको समझा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।